नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर आपके खत्म कर चुके हैं। ये आपका चौथा चैप्टर है, ठीक है। इसमें बात करेंगे हम लोग पदार्थ के बारे में, धातु और अधातु दोनों के बारे में जानेंगे। तो याद रखिए हमेशा कि इसे जो भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, इन्हें एक बड़े लगन के साथ पढ़िए, धैर्य रखकर। जो भी इनका निष्कर्ष होता है, यानी कि जो भी चैप्टर का पूरा निचोड़ होता है, वो लास्ट में बता दिया जाता है। तो बड़े धैर्य के साथ आपको सुनना है बस, ठीक है। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ आपके सारणी 4 में दिए गए हैं। आयरन हो गया, कोयला, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ठीक। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग इन सभी के बारे में जानेंगे, ठीक है। धातु और अधातु का वर्गीकरण किस प्रकार होता है? जैसे धातु आपकी आयरन हो गई, या लोहा, कोयला आपका अधातु हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर धातु ही है। धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या कोयले के टुकड़े को पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? आइए जानते हैं इनके बारे में। क्रियाकलाप 4.1, याद रखिए जो भी इसमें क्रियाकलाप होते हैं, इन्हें पढ़कर आपको निकल जाना है, ठीक है। करते नहीं बैठ जाना है, कहीं पता चला कि 2 से 4 साल इसी में आप गुजार दिया आपने। एक लोहे की कील, एक हथौड़े का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमिनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप स्वयं को चोट ना पहुंचाने। जोर से पीटने का प्रयास करें, एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। अपने प्रेक्षणों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तन हो गया है। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमिनियम पन्नी पड़िका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। धातुओं को गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, अगाध वर्धनीयता कहलाता है। क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? अगाध वर्धनीयता। यह धातुओं का अभिलक्षणिक गुण है। जैसा आपने देखा होगा, कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ का यह गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को स्वयं को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए, जिसमें एक लकड़ी या फिर प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? आप एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते देखा होगा, उसका हत्था किस प्रकार का होता है? क्यों? आइए जानते हैं इसके बारे में। याद करिए, किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है।
या नहीं, या परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है। आपने कक्षा छठवीं में इस तरह से देखा होगा, याद होगा, कक्षा छठवीं में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। प्रेक्षण लीजिए और इन पदार्थों को स्वचालकों कुचालकों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे लोहे की छड़ स्वचालक है, गंदा भाप का कुचालक हो गया, तांबे की तार आपकी क्या हो गई, या आपकी सुचालक हो गई, कोयला आपका कुचालक है। आपने पाया कि लोहे की छड़ कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला कुचालक है। आपने अनुभव स्मरण करने और फिर से क्रियाकलाप कर यह दिखाना था कि धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, यह हमने कक्षा छठवीं में सीखा भी था, ठीक है। आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी हैं? निश्चित रूप से नहीं। धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? तन्यता। इन्हीं पॉइंटों को आपको पकड़ना है, पता है पूरी कहानी आपकी इन्हीं पॉइंट को समझाने के लिए की गई है या गढ़ी गई है। तो आपको इन्हीं पॉइंटों को, जैसे धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है तन्यता कहलाता है, ऐसे ही पॉइंट पकड़िए और पढ़कर निकल जाइए। क्या आपने कभी लोहे की सीट, प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो आप प्रयास कर सकते हैं। क्या आपने उत्पन्न ध्वनियों में कोई अंतर पाते हैं? क्या आपने मंदिरों में लकड़ी की घंटियां देखी हैं? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि, रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान दिखने वाले डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों डिब्बों पर चोट करके बता सकते हैं कि कौन सा डिब्बा धातु का है बना हुआ है? क्योंकि धातु गायन ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, धातुओं की एक गुड़े भी है, क्योंकि धातुएं गायन ध्वनियां उत्पन्न करती हैं, यानी कि वे ध्वनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते हैं। अगर कभी धातुओं का गुण लिखने की आ जाए तो ये लिख सकते हैं पॉइंट को, ठीक है। उक्त क्रियाकलाप करने के पश्चात हम कह सकते हैं कि कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, अघातवर, तन्य, ध्वनिक, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यता ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के ये सभी गुण हैं, ठीक। धातुओं के उदाहरण है आपके आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। इसके विपरीत कोयले और सल्फर जैसे पदार्थ नरम तथा दिखने में मलिन होते हैं, ये हथौड़ी की हल्की चोट से टूटकर चूरा हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं है और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ आपके अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस इत्यादि। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। मरकरी, पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यह आपका अपवाद है। अब बात करते हैं धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। ऑक्सीजन से अभिक्रिया, आप आयरन में जंग लगने की परिघटना से परिचित हैं, जंग बनने की अभिक्रिया का स्मरण करिए। आपने कक्षा सातवीं में मैग्नीशियम रिबन के वायु में दहन क्रिया कलाप किया था। आपने सीखा था कि दोनों प्रक्रमों में ऑक्साइड बनते हैं, आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करिए। आयरन F3, ऑक्सीजन O2, जल H2O, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन।
क्रियाकलाप 4.3। आइए आयरन, ऑक्सीजन और जल की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने जंग की प्रकृति की जांच करें। लगभग एक चम्मच जंग को इकट्ठा करिए, उसे बहुत थोड़े जल में घोलिए। आप पाएंगे कि वह जल में निलंबन के रूप में रहता है। लटकन को अच्छी तरह हिलाइए। विलयन का परीक्षण के अनुसार लाल, नीले लैटमस पत्रों से करिए। आप क्या देखते हैं, विलयन अम्लीय या क्षारीय है? जंग की प्रकृति का परीक्षण, या आपकी जंग हो गई लाल लिटमस पत्र, जंग का निलंबन। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? मैंने कॉपर के बर्तनों की सतह पर हरा पदार्थ जमा हुआ देखा है। जब कॉपर के बर्तनों को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। अब किया निम्नलिखित है इस प्रकार। अब मैग्नीशियम रेवन के दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। मैग्नीशियम रेवन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, आप इसको किस प्रकार सुनिश्चित करेंगे? आपने परीक्षण किया होगा कि लाल लिटमस नीला हो जाता है, इसलिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्रियाकलाप 4.4। चोड़ित सल्फर की कुछ मात्रा एक उदहन चम्मच में लीजिए और इसे गर्म करिए। यदि उदहन चम्मच उपलब्ध ना हो तो आप किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं। इसके चारों ओर एक धातु का ताल लपेट लीजिए, जैसा कि चित्र 4.4A में दिखाया गया। जैसे ही इस तरह से जैसे ही जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार या कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर ना जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भली भांति हिलाइए। विलयन का परीक्षण कर अपना लाल और नीले लेटमस पत्तों से करिए। लेटमस पत्रों द्वारा विलयन का परीक्षण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फर। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रिया निम्न प्रकार दी जा सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस जल, ये अभिक्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाते हैं, H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लैटमस पथ को लाल कर देते हैं। सल्फ्यूरस अम्ल आपके नीले लैटमस को पथ को लाल कर देते हैं। सामान्यतः अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते थे, क्षारीय, और अधातुओं के अम्लीय सामान्यतः। प्रयोगशाला में काम आने वाले कुछ अम्लों और क्षारों के नाम याद करिए जो आपने कक्षा 7वीं में पढ़े थे। ठीक है, अब बात करते हैं जल के साथ अभिक्रिया। आइए देखें धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। क्रियाकलाप 4.5। एक 250 ml का बीकर या कांच का गिलास लीजिए, इससे ज्यादा जल से भरिए। अब सावधानी पूर्वक एक छोटा सा सोडियम का टुकड़ा काटिए। फिल्टर पथ का उपयोग कर इसे सुखा लीजिए, फिर रुई के छोटे
टुकड़े में लपेट लीजिए। रुई में लिपटे सोडियम के टुकड़े को बीकर में डाल दीजिए। सावधानी पूर्वक परीक्षण कीजिए। परीक्षण लेते समय बीकर से दूर रहें। जब अभिक्रिया बंद हो जाए तो बीकर को छुइए। आप क्या अनुभव करते हैं? क्या बीकर गर्म हो गया है? विलयन का लाल और नीले लेटमस पत्तों से परीक्षण करिए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय है? आपने देखा है कि सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार अधातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फॉस्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फॉस्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो सके, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। बात करते हैं अम्लों से अभिक्रिया। आइए धातु और अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार क्रियाकलाप 6.4। सावधानी, परख नली के मुंह को अपने चेहरे से दूर रखिए। परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग करिए। सारणी 4.5 में सूचीबद्ध धातु और अधातुओं के नमूने पृथक परख नली में लीजिए। उन्हें ए बी सी डी ई एफ से चिन्हित करिए। ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परख नली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए। अभिक्रिया का सावधानीपूर्वक परीक्षण करिए। यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती है तो परख नली को हल्का गर्म करिए। प्रत्येक परख नली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यही क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। क्या धातु और अधातु अम्लों से भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं? परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि क्यों उत्पन्न हुई थी? आपने पाया होगा कि अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। आपने देखा है कि कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। बात करते हैं क्षारों से अभिक्रिया। एक परख नली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन उसकी 3 से 4 टिकियां 5 ml जल में घोलकर बनाइए। इसमें एक एल्यूमिनियम की पन्नी का टुकड़ा डालिए। एक जलती हुई माचिस की तीली परख नली के मुंह के निकट लाइए। ध्यान से परीक्षण लीजिए। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है? पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया पर कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल हैं। पर्याप्त का विस्थापन अभिक्रिया। कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य अभिक्रिया वाले क्रियाकलाप को याद करिए जो आपने कक्षा 7वीं में किया था। आइए इस प्रकार की कुछ और अभिक्रियाएं देखते हैं। क्रियाकलाप 4.8। 10 ml के 5 बीकर लीजिए। उन्हें ए बी सी डी ई चिन्हित कर दीजिए। प्रत्येक बीकर में लगभग 500 ml जल लीजिए। प्रत्येक बीकर में चित्र 4.6A में दर्शाए पदार्थों में से प्रत्येक का 1 चम्मच घोल लीजिए। ये 6.A हो गया, 6.B। बीकर ए कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का टुकड़ा। बीकर बी कॉपर सल्फेट प्लस लोहे की कील। बीकर सी जिंक सल्फेट तांबे का छीलन। बीकर डी आयरन सल्फेट तांबे की छीलन। बीकर ई जिंक सल्फेट लोहे की कील। ठीक है,
आपने विभिन्न बीकरों में क्या परिवर्तन देखते हैं? आपने पढ़ा है कि एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक की जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग आदर्श हो जाता है और बीकर के फंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापित हो सकता है। इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता है। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों? जब बीकर ए में जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है, तो बीकर सी में कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित क्यों नहीं कर सकता है? याद रखिए, विज्ञान मनमाना नहीं होता है, यह तथ्यों पर आधारित निश्चित नियमों का पालन करता है। और यह नियम यह है कि जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। अब देखिए, इस लाइन को बताने के लिए कितनी कहानी बताइए। याद रखिए, जिंक कॉपर और आयरन से अधिक क्रियाशील होता है। आपका एक अधिक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। अब आप समझ सकते हैं कि बीकर डी में बीकर डी और ई में विस्थापन अभिक्रियाएं क्यों संपन्न नहीं हुई। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम अभिक्रियाशील धातु के क्रम का अनुमान लगा सकते हैं? अब बात करते हैं धातुओं और अधातुओं के उपयोग। आपको अनुमान लगाने में सक्षम होना चाहिए कि क्यों धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर, गाड़ियां, वायुयान, रेलगाड़ियों, उपग्रहों, औद्योगिक साजो सामान, खाना बनाने के पात, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। आप कुछ अधातुओं के उपयोग से भी परिचित होंगे या कुछ आपके रोचक उपयोग दिए जा रहे हैं। हमें विश्वास है या आप उन्हें सही अनुमान पाएंगे। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है और जिसे सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। अधातु जिनका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में भी किया जाता है। अधातु जिनका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में भी घावों पर लगाया जाता है। पटाखों में प्रयुक्त होने वाला अधातु। आप अपने अनुभव से धातुओं और अधातुओं के कुछ और उपयोग जोड़ सकते हैं। आपने कक्षा 7वीं में सीखा है, क्या सीखा था? रासायनिक अभिक्रिया से में नए पदार्थ बनते हैं। ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ठंडा करके गर्म करके अथवा विद्युत अवघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता है, तो वह तत्व कहलाता है। सल्फर एक आपका तत्व है। इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व है। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए, द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यह कि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं। इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातुओं और अधातुओं के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या तो अधातु हैं या फिर उपधातु हैं। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। उपधातु में आपके धातु और अधातु दोनों के गुण रहते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या सीखा है?
परमाणु के बारे में जाना है, चालक, विस्थापन अभिक्रिया, तन्यता, तत्, कठोरता, अगाध्वनिता, धातु, उपधातु, अधातु, ध्वनिक। बस इन्हीं को समझने के लिए, इन्हीं शब्दों की परिभाषा जानने के लिए पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है। आपने क्या सीखा इसमें? धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती। सामान्यतः धातु अगाध्वनिय और तन्न होते हैं, अधातु नहीं होते। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु तारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं। धातुओं और अधातुओं के दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। यह आपका इस अध्याय का पूरा निष्कर्ष। इसी चैप्टर से संबंधित आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इन्हें देख लेना, और आपकी जो पीडीएफ थी वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है, उसे डाउनलोड करके रख लें अपने पास। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और निकल जाइए, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी शब्द नहीं मिलेगा जो आपको समझ में ना आ सके, क्योंकि बहुत ही साधारण शब्दों में एक कहानी का रूप देकर लिखा गया है। तो ये था आपका चौथा चैप्टर धातु और अधातु। पांचवें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में।